हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रख कर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस आ जाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चित।